हेलो गाइस, बात करने वाले हैं तेजस्वी प्रकाश के न्यू शो के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से आप जानते हैं नागिन सीजन 6 अब ऑफ एयर जाने वाला है, अपने ऑफ एयर के कगार पर आ चुका है। जी हाँ, वही ट्रैक चल रहा है, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा नागिन सीजन 7। सो यहाँ बात करने वाले हैं तेजस्वी के न्यू शो के बारे में। जी हाँ, उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट के ऑफर गए हुए हैं, कई सारे डेली शो के ऑफर गए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रोजेक्ट में वो नज़र आने वाली है। जिस तरीके से खबरें निकल कर सामने आ रही है ना, काफ़ी चांसेस हैं कि वो न्यू प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली हैं, जो कि उम्मीद करी जा रही है वो डेली शो पे ही होने वाला है और कोई और नहीं बल्कि शरद मल्होत्रा के अपोजिट नज़र आ सकती हैं वो। ऐसे काफ़ी चांसेस हैं, चारों तरफ से खबरें निकल कर ऐसी ही सामने आ रही हैं। फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो अभी क्लियर कुछ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अभी तेजस्वी ने शो को साइन भी नहीं किया है, सिर्फ उनके पास शो का ऑफर गया है। लेकिन ऐसे चांसेस हैं कि वो शरद मल्होत्रा के अपोजिट ज़रूर नज़र आना चाहेंगी, क्योंकि शरद के अपोजिट अगर बात करें तो हर एक एक्ट्रेस की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई है। चाहे जितने भी आप शो देख लें या फिर म्यूज़िक एल्बम तक, उनके हिट ही साबित हुए हैं। सो ऐसे में शरद के अपोजिट तेजस्वी का नज़र आना वाकई में फैंस के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है और साथ ही साथ करियर में टर्निंग पॉइंट भी लेकर आएगा। दोनों की ही एक अलग तरीके से इस जोड़ी को जाना जाएगा, क्योंकि शरद की जोड़ी अमूमन फेमस होती ही है। चाहे वीरो और बानी की जोड़ी ले लो, चाहे कृतिका और शरद की जोड़ी जो रही है, ऋषि और तनुजा की जोड़ी ले ली जाए। सो ऐसे में क्या कुछ आपका कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूँ तो तेजस्वी से पहले मौनी राय को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि शरद मल्होत्रा और मौनी राय की जोड़ी नज़र आ सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से खबरें निकल कर सामने आई हैं कि तेजस्वी को अप्रोच किया गया है शो के लिए, सो देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी शो को साइन करती हैं या नहीं। हालांकि चांसेस हैं कि वो शो को साइन ज़रूर करेंगी, क्योंकि ये नागिन सीजन 6 ऑफर जा रहा है और ऐसे में करण कुंद्रा भी अपने शो में बिजी हैं, सो डेफिनेटली वो अभी करियर पर ही ध्यान देना चाहेंगी, तो इस शो को साइन ज़रूर से करेंगी। सो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में और किस तरीके से दोनों की जोड़ी नजर आएगी, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है शो का और किस तरीके का दोनों का लुक होने वाला है, कैरेक्टर होगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, अभी इतना कुछ रिवील हुआ नहीं है। सो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके ज़रूर अपनी एक्साइटमेंट बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।